छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में देश में महिलाओं के आरक्षण को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। इसी बीच आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को पेश कर दिया गया है। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 181 होगी। वर्तमान में करीब 82 लोकसभा सांसद महिला हैं, तो वहीं 33% महिला आरक्षण बिल के लोकसभा में पेश होने के साथ ही अब इस पर श्रेय लेने की सियासत भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी इस बिल को जहाँ मोदी सरकार की उपलब्धि बताने में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी इसे अपनी उपलब्धि बताने में लगी है। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने महिला आरक्षण को लेकर सपना देखा था। मनमोहन सिंह की सरकार ने महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में पारित भी किया था। तो वहीं भाजपा नेता ओपी चौधरी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस के बयान पर कहा कि 50 सालों तक उनको मौका नहीं मिला था। राज्यसभा लोकसभा में कांग्रेस के पास बहुत था, लेकिन उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। 50 साल तक उनको मौका मिला था, राज्यसभा में लोकसभा में दो दो तिहाई तीन तीन चौथाई तक बहुमत कांग्रेस के पास रहा। भारत के बहनों के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, वुमन एम्पावरमेंट के लिए कांग्रेस ने तो ये काम नहीं किया। जब मोदी जी आज सभी प्रगतिशील कामों को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाले कामों को कर रहे हैं, तो कांग्रेस जबरदस्ती बीच में आती है। इन्होंने देश का बेड़ा गर्क करने की ही कोशिश हमेशा की, मोदी जी देश को आगे बढ़ाने का काम। कांग्रेस महिला आरक्षण बिल की शुरू से पक्षधर रही है। महिलाओं को राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में 33% आरक्षण का सपना कांग्रेस पार्टी ने देखा था, कांग्रेस की सरकारों ने देखा था। 1988 में सबसे पहले स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सरकार ने महिलाओं को पंचायत और स्थानीय निकाय में आरक्षण दिया था। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने भी महिला आरक्षण विधेयक के बारे में शुरुआत की थी। मनमोहन सिंह सरकार ने तो इस विधेयक को राज्यसभा से पारित करवाया था और वह विधेयक अभी भी राज्यसभा में है। राज्यसभा से पारित विधेयक कभी लेफ्ट नहीं होता। निश्चित तौर पर लोकसभा से भी महिला आरक्षण बिल पास किया जाना चाहिए। आधी आबादी को उनका पूरा हक दिया जाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की षड्यंत्र नहीं होना चाहिए कि आरक्षण बिल के नाम पर आप सिर्फ वोटों की राजनीति मत करें। ईमानदारी से महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान हो, कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन।